रूबीना के खिलाफ हुआ पूरा घर। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ बिग बॉस के घर के अंदर जो रूबीना के खिलाफ पूरे कंटेस्टेंट हो गए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आपका बॉलीवुड हेडलाइंस पर। आपको बता दें कि बिग बॉस का जो घर है वो अब रणभूमि बन चुका है। बिग बॉस के घर के दिन आए दिन आपको बता दें कि रोज नई नई बातों पर लड़ाइयाँ हो रही है। खास तौर पर इन बात पर लड़ाई होती है जो कि हिना खान जिसके पावर्स की हकदार हैं, जो कि बीबी मॉल से वह सिर्फ रिजेक्टेड कंटेस्टेंट को सिर्फ 7 आइटम की ही परमिशन देती हैं। इस बात पर आपको बता दें कि आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं। अब ऐसे में रूबीना दिलैक आपको बता दें कि पूरे घर के अगेंस्ट हो गई। यहाँ तक कि जहाँ आज के डेट में आपको बता दें कि सारे कंटेस्टेंट सीनियर्स के साथ बनाकर चल रहे थे, वहीं रूबीना दिलैक पूरे कंटेस्टेंट्स के अगेंस्ट हो गई। यहाँ तक कि सीनियर्स के भी अगेंस्ट हो गई थी। इन बातों को लेकर रूबीना का यह कहना था कि एक पैर जूते और एक पैर कपड़े, यानी सलवार सूट, यानी सलवार और कमीज दोनों एक पैर कपड़े हैं और दो पैर के जूते एक पैर हैं, तो ये एक गिना जाए, एक आइटम गिना जाए, इसलिए वह ऐसा बोल रही थी ताकि उनकी भी सुविधा हो और वह पूरे घर वालों की सुविधाओं को भी देखकर बोल रही थी ऐसा। लेकिन जस्ट उनका उल्टा ही हुआ। ऐसा हुआ कि सभी के सभी कंटेस्टेंट्स रूबीना दिलैक के अगेंस्ट हो गए। हुआ यूं कि जब वह बात कर रही थी कि जब जूतों को और सलवार और कमीज को एक पैर गिना जाए, उसमें वह बहस इतनी ज़्यादा छिड़ गई कि साथ ही साथ हिना खान ने आकर यह ऐलान कर दिया कि अगर वह रूल बुक पढ़ रही हैं तो रूल बुक के मुताबिक एक पैर के एक जूते एक आइटम होता है और अब से वह पूरे घर वालों को एक पैर के सिर्फ एक जूते देंगी, यानी एक आइटम में उसे गिना जाएगा। और इस पर पूरे घर पे बवाल मच गया। सभी पूरे घर वाले रूबीना दिलैक के अगेंस्ट हो गए और इसी बात पर रूबीना बिल्कुल खड़ी उतरकर उन्होंने अपने साहस को दिखाया और उन्होंने यह कहा कि वह घर की भलाई के लिए, यानी घर के हर एक मेंबर की भलाई के लिए यह बात उन्होंने सीनियर्स के सामने रखी थी और सभी कंटेस्टेंट के सामने रखी थी। लेकिन हुआ उसका उल्टा, ये बात अलग है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रूबीना दिलैक अपने बेबाकी अंदाज में सीनियर्स और पूरे कंटेस्टेंट के साथ भिड़ गई और इसी बात पर एजाज खान रूबीना दिलैक के ऊपर बिल्कुल भिड़ गए और साथ ही साथ उन्होंने यह तक कह दिया कि रूबीना आपकी सहमति के साथ आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपका कोई एहसान चाहिए हम जैसे हम घर वालों को। तो इस तरीके से एजाज ने यह क्लियर कर दिया कि रूबीना का कोई एहसान उनके घर वालों को नहीं चाहिए। लेकिन रूबीना दिलैक खास तौर पर वह खुद के लिए नहीं बल्कि घर के बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए अपनी बात रख रही थी, लेकिन उसका उल्टा हुआ और एजाज खान ने भी ऐसे शब्दों में उन्हें उनका प्रयोग किया जिस पर हिना आपको बता दे कि घर के सभी कंटेस्टेंट फिलहाल अभी रूबीना दिलैक से नाराज हैं, जिसके बदले में रूबीना ने यह भी कहा कि वह 7 दिन तक कोई भी सामान नहीं लेंगी, उसके बदले वो 7 दिन तक सारे सामान पूरे घर वाले ले सकते हैं, लेकिन घर वालों में से एक भी कंटेस्टेंट उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। फिलहाल तो माहौल ये है कि घर के अंदर सभी कंटेस्टेंट रूबीना के बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं, यहाँ तक कि 3 सीनियर्स भी, यहाँ तक कि हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला भी रूबीना के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके हैं। अब देखना ये बनता है कि आखिर यह मामला कैसे सुलझता है और या फिर आगे चलकर और उलझता जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। तो इसको देखने के लिए आप देखिए आज का एपिसोड और बताइए कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस सीजन 14। और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।